नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। अभी दोस्तों हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा एशियन गेम्स के मुकाबले, इसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। ये लड़ाई होगी नंबर 3 की, फाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुका है इंडिया और अफगानिस्तान, तो दोनों टीम कुछ यहाँ पे फेरबदल जरूर कर सकते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान से मुलाकात हो जाए कहाँ पे दोस्तों, फाइनल में, लेकिन पाकिस्तान टीम ने बोल दिया कि मैं अफगानिस्तान से पहले ही हार के सरेंडर हो जाता हूँ, क्योंकि फाइनल में तो ऑलरेडी इंडिया के साथ हारना ही है, तो उनको हारना ही था तो पहले ही वो हार गए। बट मजा आता जब हम इनका जो है फाइनल में कह के लेते, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम डिटेल्स में देखेंगे क्या बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को टक्कर दे पाएंगी, क्या लॉजिक है कि भाई सब बांग्लादेश के पास लेफ्टीज भरे पड़े हैं और इनके पास लेफ्ट हैंडर गेंदबाज भरे पड़े हैं, चाहे वो दोस्तों इनके उस्मान कादिर हो, चाहे इनके पास जो भी आप देखोगे स्पिनर्स खुशदिल शाह हो, या फिर इनके पास मुकीम को देख लोगे, इनके पास देख लोगे अराफत मिनास को, सारे के सारे लेफ्ट हैंडर गेंदबाज हैं, सामने लेफ्टीज भरे पड़े हैं, तो कौन ज्यादा स्पीड डालेगा। एक नाम कसीम अकरम, ध्यान रखिएगा भाई, कैप्टन वीसी के सबसे सेफेस्ट और बेस्ट ऑप्शन इस मैच में रहने वाले हैं। क्यों अकरम? रीजन क्या है कि एक तो वो राइट हैंडेड गेंदबाज हैं और कल के मैच में 4 ओवर ऑलमोस्ट उनका कंफर्म समझो, 2-3 विकेट लेके जाएंगे। आफ्टर टॉस प्लेइंग लेने के बाद पिच रिपोर्ट आने के बाद, पिच रिपोर्ट क्या आएगा, स्पिन टू विन फॉर्मूला ही काम करेगा, बट फिर भी फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद मेरे टीम में जो भी बदलाव होंगे उसके अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ मैं टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए भैया छोटा सा काम कर लेना, आपको इसी वीडियो के चले जाने हैं कमेंट सेक्शन में, और देखिए प्रेडिक्शन राजा भाई गोवा गए थे उसका फोटो देख लीजिए, हमारे एडिटर साहब ने सामने ही लगा दिए चश्मा विद हाफ पेंट, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे मुझे पता है कि आप लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, और हाँ उसी में आपको दिखेगा व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक, वहां भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां ज्वाइन करने से आपको जो है ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा? कुबेरा का डियो क्विंटापिक्स, एक्सचेंज 22 का बाइसल मल्टी वगैरह पिक्स, या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान, सब मैं व्हाट्सअप चैनल पे बताता हूँ, तो भैया व्हाट्सअप चैनल पे भी आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है। अब आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में किन किन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट, विकेट टेकिंग लास्ट 5 T20 मैच, एवरेज स्कोर इन लास्ट 5 T20 मैच, लास्ट सम मैच के हम देखेंगे बैटल, जब दोनों टीम आमने सामने आई तो क्या हुआ है, पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर, 3 मार्के बैट्समैन, 3 मार्के बॉलर, लास्ट मैच स्कोर बोर्ड ऑफ बोथ टीम, 5 कैप्टन वीसी के नाम देखेंगे जो आपको ना सिर्फ स्मॉल लीग जीएल में भी अच्छा रैंक देके जा सकते हैं, फैंटेसी टीम देखेंगे स्मॉल लीग का और जीएल को लेके भी डिस्कस करेंगे। अब भाई हम वेन्यू को लेके बात करेंगे, सेम वेन्यू होगा, वही हैंगजू चाइना का, विनिंग परसेंटेज पाकिस्तान 70%, बांग्लादेश 30%। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे पिच रिपोर्ट को लेके, स्प्रिंट फ्रेंडली विकेट होगा, वेदर रिपोर्ट ओवरकास्ट क्लाउड रहने वाला है। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे विकेट टेकिंग लास्ट 5 T20 मैचेस, टोटल विकेट गिरे 73 स्पिनर्स के खाते में, 23 पेसर्स के खाते में, स्पिनर्स के खाते में 50, पेसर्स के खाते में 23 विकेट। एवरेज स्कोर इन लास्ट 5 T20 मैच ऑन दिस वेन्यू, एवरेज टोटल स्कोर 113 का, लास्ट T20 मैचेस मींस लास्ट 8 T20 मैचेस जब दोनों टीम आमने सामने आई है, 8 के 8 पाकिस्तान की टीम विन की है, लेकिन ये ग्राफ तब की है जब पाकिस्तान की मेन टीम अफगानिस्तान से भिड़ती है। लास्ट 5 T20 मैच को लेकर बात कर लेंगे दोनों टीम की, पाकिस्तान लॉस विन लॉस एवंडेड लॉस करके आ रही है, बांग्लादेश लॉस विन 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 लॉस लेके आ रही है। अब आइए हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर, दोनों टीम का क्या रहने वाला है, पी हसन दिख जाएंगे आपको, फिर एम हसन जॉय दिख जाएंगे, जकीर हसन वन डाउन करेंगे या फिर नीचे जाएंगे, सैफ हसन दिख जाएंगे आपको, आफिफ हुसैन दिख जाएंगे, सादत हुसैन दिख जाएंगे आपको, फिर यहाँ पे जकर अली दिखेंगे, मृत्युंजय चौधरी, आर हसन उसका रकीबुल हसन है, उसके अलावा रिपुन मंडल और हसन मुराद आपको दिख जाएंगे। टीम में भी यहाँ पे एक और स्पिनर को खिलवा सकते हैं, अगर हम बात करें रिशाद हुसैन को लेकर तो टीम बैक कर सकती है। गेंदबाजी में बात करेंगे कौन कितना ओवर, एच मुराद 3 से 4 ओवर, रिपुन मंडल 4 ओवर, हरकीबुल हसन 4 ओवर, मृत्युंजय चौधरी 2 से 3 ओवर, उसके अलावा अफीफ हुसैन 3 से 4 ओवर, और अगर सामने लेफ्टी पड़े होंगे अच्छे खासे, सैफ हसन भी आके कुछ ओवर डाल देंगे। लाइक मैं आपको बता दूं इनके पास यहाँ पे देखिए कोई लेफ्टी नहीं है, यहाँ पे क्यू अकरम खुशदिल शाह लेफ्टी है, आसिफ अली राइटी है, तो लेफ्टी इनके पास थोड़े से कम है ना के बराबर। अगर हम बात करेंगे इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर, ओ यूसुफ, मिर्जा बैग, रोहन नाजीर, हैदर अली, क्यू अकरम, खुशदिल शाह, आसिफ अली, अराफत मिनहास, ए जमाल, उस्मान कादिर और एस एम मुकीम। गेंदबाजी में बात कर लेंगे भैया यहाँ पे क्यू अकरम के अलावा कोई कंफर्म नहीं है कि कितना ओवर डालेगा, सामने लेफ्टी भरे पड़े हैं और सारे के सारे लेफ्ट हैंडर स्पिनर हैं, तो पता नहीं कौन इस कितना ओवर डालेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन आमिर जमाल यहाँ पे ठीक ठाक ओवर डालते नजर आपको आ सकते हैं। नॉर्मली यू कादिर चाइना में है तो इनका भी आप 4 ओवर उम्मीद कर सकते हो, बाकी मजबूरी बस इनको अराफत मिनहास और एस एम मुकीम से भी अच्छा खासा स्पेल डलवाना होगा, चांसेस यहाँ पे खुशदिल शाह के बहुत ज्यादा है कि इनका स्पेल थोड़ा सा
कट जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं दोनों टीम के लास्ट मैच को लेके। पाकिस्तान लास्ट मैच में 115 पे सिमट गए 18 ओवर में, जहां पे उमर यूसुफ 24 के थे, मिर्जा बेग 4, रोहिल नजीर 10, हैदर अली 2, कासिम अकरम 9, खुशदिल शाह 8, आसिफ अली 8, अराफत मीनास 13, आमिर जमाल के थे 14 रन। अगर हम बात करेंगे गेंदबाजी में लास्ट मैच में, तो आमिर जमाल 2 ओवर 5 गेंद 29 रन 0 विकेट, यही मैच में हरवा दिए थे। वैसे भी गुलबदीन नबी के सामने खूब मार खा लिए थे। कासिम अकरम 2 में 18 रन 1 विकेट, अराफत मीनास 3 में 11 रन 2 विकेट, एस मुकीम 4 में 18 रन 1 विकेट, खुशदिल शाह 2 में 11 रन 0 विकेट, यू कादिर 4 ओवर 20 रन 2 विकेट। अगर हम बात करेंगे बांग्लादेश को लेके, तो इंडिया के सामने इनको फेंटी पड़ गई थी। हम लोगों ने इस मैच को वन साइडेड विन किया हुआ था। कैप्टन थे सुंदर, वीसी थे हमारे कौन पता है आपको, वीसी हमारे थे बिश्नोई, और तुर्क के साबित हुए थे तिलक वर्मा। यहाँ पे बांग्लादेश की टीम मेहज 6 रन की थी, जहाँ पे परवेज हुसैन की थे 23 रन, मोहम्मद हसन जुआई 5, सैफ हसन 1, जाकिर हसन 0, आफिफ हुसैन 7, सादत हुसैन 5, जकर अली 24, मृत्युंजय चौधरी 4, रकीबुल हसन के थे 14 रन। गेंदबाजी में रिपुन मंडल 2 में 26 रन 1 विकेट, सैफ हसन 1 में 10 रन 0 विकेट, मृत्युंजय चौधरी 1 में 14 रन 0 विकेट, रकीबुल हसन 1 में 17 रन 0 विकेट, आफिफ हुसैन 2 में 9, हसन मुराद 2 पर 16 रन 0 विकेट, अहमद हसन जुआई 2 बॉल 5 रन 0 विकेट। अब आइए हम बात करते हैं थ्री मार्की बैट्समैन, थ्री मार्की बॉलर, कोई बॉलिंग करे कोई बैटिंग करे आपकी टीम में होना ही चाहिए। ओबिन यूसुफ, सैफ हसन, क्यू अकरम, गेंदबाजी में बात कर लेंगे थ्री मार्की बॉलर में, क्यू अकरम, उस्मान कादिर और आफिफ हुसैन, मतलब क्यू अकरम आपके लिए कैप्टन वीसी के सबसे सेफ्टेस्ट ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं। अब भाई हम बात करते हैं स्टार्टिंग डेथ ओवर्स को लेके। पाकिस्तान की तरफ से आपको स्टार्टिंग ओवर डालते दिखेंगे आमिर जमाल, क्यू अकरम। बांग्लादेश की तरफ से आपको दिख जाएंगे आर मंडल, रिपुन मंडल, मृत्युंजय चौधरी। डेथ ओवर्स आपको दिख जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से क्यू अकरम, आमिर जमाल, बांग्लादेश की तरफ से रिपुन मंडल और मृत्युंजय चौधरी। अब भाई हम बात करते हैं पांच कैप्टन वीसी को लेकर, जिसको आप लोग मिनी जीएल हो, एसएल हो, ग्रैंड लीग हो, सभी जगह रोटेट कर सकते हो। पहला नाम क्यू अकरम, 4 ओवर की गेंदबाजी, प्लस इनसे आप जो है अच्छी खासी विकेट टेकिंग एबिलिटी को लेकर इस मैच में बात कर सकते हो। भैया विकेट लेके जाएंगे खूब सारे, प्लस बल्लेबाजी से भी आपको पॉइंट देंगे। खुशदिल शाह को लेकर जाना, रीजन है कि कब ये 3 ओवर 4 ओवर डाल देंगे, बल्लेबाज तो ठीक ठाक है ही। उस्मान कादिर लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज, इसको भी आप लोग कैप्टन वीसी देकर जा सकते हो, विकेट गुच्छे में लेके जा सकते हैं। आफिफ हुसैन लेफ्टी बल्लेबाज, प्लस 3 से 4 ओवर गेंदबाजी करते नजर आ जाएंगे। सैफ हसन से मुझे उतना ज्यादा इस मैच में उम्मीद नहीं है, बट फिर भी आप लोग एज ए सेफर साइड कैप्टन वीसी इनको भी लेके चल सकते हो। दो गेंदबाज और, पहला अराफत मीनास, दूसरा आपको दिख जाएंगे एस मुकीम। इन दोनों को भी कैप्टन वीसी आप लोग मिनी जीएल जीएल में देखे जा सकते हो। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके। तो विकेट के पीछे मैंने अभी के लिए लिए हैं रोहिल नाजीर को, फिर मैंने दिए हैं अपनी टीम में जगह बैटिंग में खुशदिल शाह, आफिफ हुसैन, ओबिन यूसुफ को। ऑलराउंडर से मैंने दिए हैं जगह सैफ हसन, ए मीनास, कासिम अकरम को। देन अक्टर बॉलिंग में होंगे उस्मान कादिर, रकीबुल हसन, हसन मुराद और एस मुकीम। आप चाहो तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो रिपुन मंडल को भी। अब बात करें कैप्टन वीसी को लेकर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किसको लेना है किसको नहीं। अभी के लिए मैंने कैप्टन दिया यहाँ पे क्यू अकरम को, वीसी मैंने दिया आफिफ हुसैन को। मैं यहाँ पे किसी और स्पिनर को वीसी नहीं दे पा रहा हूँ पाकिस्तान का, रीजन इतने लेफ्टी है सामने ना, थोड़े से कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट होंगे कि कौन लेफ्ट हैंडर गेंदबाज कितने ओवर डालेंगे। तो मैं उसके अकॉर्डिंग फाइनल टीम में मैं भी वीसी अपना उस्मान कादिर को दे सकता हूँ। अभी के लिए मैंने कैप्टन क्यू अकरम और वीसी आफिफ हुसैन को दिया हुआ है। बाकी टॉस के बाद कोई बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल और साथ में एसएल जरूर ट्राई कीजिए।